सो हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन में ग्रुप्स में हम पढ़ने वाले हैं अब आगे कसेट्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रुप्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा सेमी ग्रुप्स क्या होता है, देन हमने पढ़ा सब ग्रुप्स क्या होता है, और अब हम पढ़ रहे हैं कसेट्स। तो कसेट्स के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कसेट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्रुप ले लेना है, ठीक है। जी मान लो हमारे पास कोई ग्रुप है और एच जो है वो सबसेट है जी का, सच दैट एच जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप लेना है, एक सब ग्रुप लेना है, और एक एलिमेंट जो भी आपके एलिमेंट्स जी को बिलोंग करते हैं, सच दैट ए हमारे, हमने उन एलिमेंट्स का नाम रख दिया ए, लेट इट बी A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक है। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट जी के एलिमेंट्स ले लिए। एच तो सबसेट है जी का, तो हम एच में सारे के सारे एलिमेंट्स जी के हो भी सकते हैं, और मतलब होंगे तो सारे एलिमेंट्स, बट लाइक पूरे सेट के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। एम्प्टी सेट जो होता है वो आपको पता है वो भी एक सबसेट ही होता है, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी होगा तभी तो यहाँ पे सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए। सो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया सब ग्रुप। तो उसके बाद आपने कैसे कसेट्स निकालने हैं, ग्रुप का एलिमेंट अगर आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हो या ऐड करते हो सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे लेफ्ट कसेट्स, ठीक है, लेफ्ट कसेट्स। ग्रुप का एलिमेंट आपने रखा लेफ्ट साइड में, और अगर ग्रुप का एलिमेंट आपने सब ग्रुप के राइट साइड से ऐड किया या मल्टीप्लाई किया तो आप उसको बोलोगे राइट कसेट्स, ठीक है। नोटेशन में आप इसको ऐसे बोलोगे। अब इस सेट में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ए तो एलिमेंट है, स्मॉल ही रहेगा। एच के एलिमेंट्स को आई विल बी डिनोटिंग इट लाइक H1, H2, H3 जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटू एच, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ये जो सेट आपका बनेगा ये आपके बनेंगे लेफ्ट कसेट्स, ठीक है। तो आपका अब आ गया इसी तरीके से, यहाँ पे बन जाएगा एच इंटू ए। इस सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एच इंटू ए या एच प्लस ए, ठीक है, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, ही आपके हो गए राइट कसेट्स, ठीक है। कमिंग टू एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो एक ग्रुप होता है, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। -2, -3 जो भी है, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज़ ए ग्रुप, ये ऑलरेडी ग्रुप है, ये आपके पास आ गया। अब इसका सब ग्रुप, हम सब ग्रुप निकालते हैं, यू नो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 2, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। तो एक एग्जांपल फिलहाल ये वाली ले रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 3, -9, -6, -3, 0, 3, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके दोनों के दोनों क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे आप यहाँ पे इस सब ग्रुप के एलिमेंट्स के राइट साइड से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या जो भी ऐड करोगे, तो यहाँ पे सिंस हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड करना किसके अकॉर्डिंग है, करना है अगर ग्रुप जो है वो ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। ये भी ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये भी है अंडर सेम ऑपरेशन। अंडर सेम ऑपरेशन का मतलब हो गया अंडर एडिशन। तो एडिशन के अंडर कैसे निकलते हैं कसेट्स, और ये तो सबसे पहले हो गया आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स। ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं, जो भी हैं, लेट इट बी -3, -2, -1, ठीक है, देन 0, 1, 2 सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको आपने इस सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। एच वन के साथ करोगे तो एच वन के कसेट्स निकलते जाएंगे, एच टू के साथ करोगे तो एच टू के कसेट्स निकलते जाएंगे। फिलहाल मैं एच वन के साथ निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, पहले तो -3, ये एडिशन का केस है, सो इट विल गेट ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, इसके ये मैंने लेफ्ट साइड से लिखा है, तो ये सारे के सारे लेफ्ट कसेट्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है लेफ्ट कसेट ज़रूरी नहीं है, एक है, जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे उतने ही यहाँ पे निकलेंगे लेफ्ट कसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और नंबर ऑफ लेफ्ट कसेट्स और नंबर ऑफ राइट कसेट्स सेम ही निकलेंगे, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं ऑब्वियसली उनको आप लेफ्ट से ऐड कर रहे हो या राइट से ऐड कर रहे हो, तो नंबरिंग तो सेम रहेगी। सो -3 ऐड करते जाना है आपने इस एच वाले सेट में। तो -9, -3, सबसे पहले -9, -3 करते जाओ आप, ये आ जाएगा -12 सो ऑन, बीच वाले भी ऐड होते जा रहे हैं, -12, -6, -3, -9, -3, -3, -6, -3 + 0 इज -3, -3 and 3 इज 0, मतलब एडिशन है ना, -3 + 6 इज 3, फिर देन इट विल बी 6 एंड सो ऑन। ये आपके बन गए दिस कसेट्स, ठीक है, ये आपके आगे इसके साथ। फिर उसके बाद 2 के साथ निकालो, इन सब में आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है -2, तो ये आ जाएगा -2 -6, दिस इज 11, 8, 5, -2, देन
थ्री में से टू निकला माइनस वन, ठीक है, देन माइनस टू और सॉरी थ्री में से टू निकला सो इट इज़ वन, ठीक है, ज़ीरो में से माइनस टू निकला, हाँ ठीक है, देन सिक्स में से माइनस टू कर दो ये आ जाएगा यहाँ पे फोर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया इस सेट में, सिमिलरली आप इस सेट के एलिमेंट्स निकालते जाओ। अब यही आपने अगर राइट का सेट्स निकालने हैं, यही चीज़ आप राइट का सेट्स में निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे ग्रुप का एलिमेंट है वो आपका राइट साइड से ऐड होता जाएगा। H1 में मैंने क्या ऐड किया, माइनस थ्री, फिर माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से आपके एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो माइनस नाइन माइनस थ्री, अगेन वही है याद के जब पास आएगा माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन माइनस सिक्स। देखो इस केस में ये सेम आ रहे हैं बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में सेम ही आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये पहले सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ लेफ्ट कैसेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट कैसेट्स, नंबरिंग इन दोनों की सेम है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स जितने होंगे नहीं, यहाँ पे ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट ही होंगे, अगर ये यहाँ पे फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट ही निकलेगा। देन हर एक केस में जो लेफ्ट कैसेट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है वो राइट कैसेट्स के इक्वल हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट इन केस अगर लेफ्ट कैसेट और राइट कैसेट जो हैं वो किसी सब ग्रुप के लिए सेम आते हैं, अगर वो इक्वल आते हैं, ठीक है, अगर वो सेम आते हैं तो उस केस में उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के टॉपिक में ये नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लेफ्ट कैसेट और राइट कैसेट ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही आए हमेशा, ठीक है, लेकिन अगर वो सेम आते हैं दैट स्पेशल केस को हम क्या बोलेंगे, उस सब ग्रुप को हम बोलेंगे उस केस में वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। एबिलियन मान लो, एबिलियन के केस में भी ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ लेफ्ट जो आपके लेफ्ट कैसेट्स है वो राइट कैसेट्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल, आप एग्जांपल ले सकते थे इसको, आपने ये एग्जांपल कर लिया। देन उसके बाद अगर 2z के साथ एग्जांपल करना चाहते हैं तो आप 2z के साथ एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है, अंडर एडिशन। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, आपने देखा कि जब आपके पास एबिलियन होता है ग्रुप, इफ g इज़ एबिलियन, तो इसका मतलब होता है उसमें जो एच ए होगा दैट इज़ इक्वल टू ए एच। वट इज़ दिस एच ए, ये हो गया आपका, मैंने राइट साइड से लिखा है राइट कैसेट्स, राइट कैसेट्स इज इक्वल टू लेफ्ट कैसेट्स, ठीक है। देन आप ये पढ़ रहे हो कि जो ग्रुप अंडर एडिशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें प्लस आ जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इटसेल्फ जो होता है वो आपका होता है, जब ये नॉन एबिलियन है तो उस केस में ज़रूरी है नहीं है कि ये इक्वल आए, आ भी सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि वो नॉट इक्वल भी आ सकते हैं। सो दिस वॉज दी कंसेप्ट ऑफ दिस थिंग। अब हम करते हैं इनकी थियोरम्स, ठीक है। सबसे पहली थ्योरम, अगर H मेरे पास कोई सब ग्रुप है, ऑब्वियसली किसी ग्रुप G के लिए ये सब ग्रुप है और हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ थ्योरम को, देन मेन जो प्रूफ करना है दैट इज एच ए इज इक्वल टू एच एंड सेकेंड ए एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। देखिए दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे क्या है राइट साइड से है ग्रुप का एलिमेंट, तो ये हो गया आपका राइट कैसेट और ये हो गया आपका लेफ्ट कैसेट। जैसे आप राइट कैसेट के लिए प्रूफ करते हो वैसे ही आप लेफ्ट कैसेट के लिए भी प्रूफ करोगे हर जगह। फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे आपको राइट साइड से एलिमेंट लेना है ग्रुप का, यहाँ से आपको हर बारी में लेफ्ट साइड से एलिमेंट लेना है ग्रुप का। सो हम एक ही चीज़ करेंगे, दूसरा आप लोग खुद ट्राई करोगे, बस एलिमेंट आपको लेफ्ट साइड से लेना है, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, इसमें प्रूफ करने को बोला है कि अगर आपका एच ए जो है, यानी एच ए का मतलब हो गया राइट कैसेट जो है वो वापस से इस सब ग्रुप के ही बराबर आता है, ठीक है, तो वो तभी होगा अगर जो ये ए है वो एच का भी एलिमेंट हो। वैसे तो ए किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो उसके सबसेट में, देखो एच इसका सबसेट है, ग्रुप का एलिमेंट अगर ए है वो एच का एलिमेंट हो भी सकता है और एच का एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। जब नहीं है एलिमेंट उस केस में ये दोनों इक्वल नहीं आ सकते, बट कहता है अगर मैं कह रही हूँ कि ये इक्वल है, क्योंकि ए को अगर मैं इस सेट में डाल भी रही हूँ, एक एलिमेंट इस सेट में मैं मल्टीप्लाई कर भी रही हूँ, तो उस सेट को तभी फर्क नहीं पड़ेगा ना जब वो उसमें ऑलरेडी होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, एच का। सिमिलरली इफ एंड ओनली इफ है तो यहाँ से ये लेके चलना है और उसके बाद ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट पार्ट में एच सब ग्रुप, जी सब ग्रुप, ए बी जी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, और लेट कर लिया मैंने कि इस केस में जो आपका राइट कैसेट है वो एच के इक्वल है। आपको क्या शो करना है, हमें शो करना है देन ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब सबसे पहले आपने क्या लिया हुआ है, आपने लिया हुआ है यहाँ पे बोथ आर इक्वल। तो सबसे पहले देखो H है क्या आपके पास, H तो सब ग्रुप है ना बच्चे, सब ग्रुप है तो ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी तो इसका मतलब हो गया E बिलोंग्स टू H,
ठीक है, ई बिलोंग्स टू एच बिकॉज एच इज़ ए सब ग्रुप. इसका मतलब है मुझे ए में कितने एलिमेंट्स यहाँ पे फिलहाल मिले हैं, मुझे मिला है यहाँ पे, मैं राइट का सेट लिखना चाह रही हूँ, इसमें एक एलिमेंट लेके चल रही हूँ, ई एच का एलिमेंट और यहाँ ए. देखो वहाँ पे एच का एलिमेंट होता था एच, तो हम इस सेट में एलिमेंट्स कैसे लिखते थे, एच में एलिमेंट्स होते थे एच इंटू ए टाइप के, ठीक है. वेयर ये एच किसका एलिमेंट होता था, एच का, तो रट्टा नहीं है, एच का ही एलिमेंट लेना है एच की जगह पे, और यहाँ पे सिंपल ये ग्रुप का एलिमेंट ए, ठीक है. अब मैंने एच का एलिमेंट ई लिया है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा ई और यहाँ ए. अगर मैं ये लूँगी तो ये ऐसा सेट है ई एच का और ए की जगह ए, ये इस सेट को यानी राइट का सेट को बिलोंग करता है, ये राइट का सेट का एलिमेंट है, ठीक है. अब अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसी को ध्यान से देख लीजिए, ये किस टाइप का हुआ, ई इंटू ए, ठीक है. ई इंटू ए वापस से क्या बनाएगा, आइडेंटिटी को किसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा दिस. बट एच ए किसके इक्वल है इस केस में, एच ए इज इक्वल टू एच, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया ए बिलोंग्स टू एच, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है. ये दोनों इक्वल हैं, तो ये अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ए जो है वो एच ए को बिलोंग कर रहा है, तो खुद ही ए को भी बिलोंग कर गया, ठीक है. नाउ कन्वर्सली, कन्वर्सली के चलते हैं, कन्वर्सली मुझे क्या करना है, कन्वर्सली मुझे मान के चलना है लेट ए बिलोंग्स टू एच एज वेल एज ए बी जो है वो जी के एलिमेंट्स तो ऑलरेडी दे रखे हैं. हमें शो करना है इस केस में कि एच और ए इज इक्वल टू एच. अब बच्चे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बहुत बार, दो सेट्स आपस में इक्वल तभी होते हैं जब ये भी इसका सबसेट हो और ये भी इसका सबसेट हो, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये अगर इसके अंदर कंटेंड है बी, अगर मैं प्रूफ कर दूं ए बी, बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक, और मैं प्रूफ कर दूं एट द सेम टाइम ए बी जो है वो बी का सबसेट है, क्या ये दोनों कंडीशंस एक साथ पॉसिबल है, नहीं है. एट द मैं बोल रही हूँ बी बी इसके अंदर कंटेंड है, ए बी के अंदर कंटेंड है, ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों ये आपस में ओवरलैप कर रहे हों, ठीक है, यानी ए और बी दोनों ही ए की जगह पर हों. सो इसका मतलब ये बोथ आर इक्वल. अब आते हैं इसके लिए, यानी दो चीज़ें प्रूफ करनी है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यानी मुझे प्रूफ करना है एच ए इज सबसेट ऑफ एच और एच इज सबसेट ऑफ एच ए. सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं, सबसेट का मतलब हो गया जो एलिमेंट मैं इसमें लेके चलूंगी वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए, ठीक है. तो चलो भाई सबसे पहले मैं ये वाला प्रूफ करती हूँ. अब ये तो राइट का सेट टाइप का, इसके एलिमेंट्स लेने ही राइट का सेट टाइप के होते हैं, ठीक है. सो लेट ए, यहाँ पर मैं लेती हूँ कोई एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच ए. बट अगर x इस राइट का सेट का एलिमेंट है तो x की फॉर्म कैसे होगी, ऑब्वियसली x की फॉर्म जो होगी वो इस तरह की होगी कि h a के इक्वल, h की जगह h का एलिमेंट, a की जगह a, फॉर एवरी h बिलोंग्स टू h, क्योंकि डेफिनेशन से इसके एलिमेंट्स इसी फॉर्म के होते हैं, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें दो एलिमेंट्स मिल चुके हैं, एक तो a मिला है h में, एक तो h मिला है h में, ठीक है. तो ये दो एलिमेंट्स आ गए मेरे h में, ठीक है. H तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. इसका मतलब है दोनों का प्रोडक्ट भी जो है वो किसको बिलोंग करेगा, H को ही बिलोंग करेगा. बट H एक किसका नाम है, X का, तो X किसको बिलोंग कर गया, H को. इसका मतलब है मैंने लिया क्या, मैंने X एक एलिमेंट लिया जो इसको बिलोंग करता था और आगे मैंने प्रूफ किया वो इसको भी बिलोंग करता है. इसका मतलब है इन दोनों से मुझे ये मिला कि एच ए यानी दिस इज सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट. सिमिलरली सेकेंड, सेकेंड के लिए मुझे पहले एक एलिमेंट एच में लेना है और वही प्रूफ करना है कि वो एलिमेंट एच ए में बिलोंग करता है. तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एलिमेंट ले लिया कि लेट हमारे पास एक्स जो है वो एच का एलिमेंट है. अब मुझे बताना है ये एक्स जो है वो बिलोंग करता है इस एच ए को, यानी राइट का सेट को, ठीक है. अब एक्स यहाँ नॉर्मल एच का एलिमेंट है, तो कोई मेरे को इसको फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो अब मेरे पास एक तो एक्स मिला एच में और एक मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था कि ए भी बिलोंग करता है एच में. अगेन एच क्या है आपके पास, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी, इनवर्स प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है. अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्यों लगा रही हूँ, अगर ए इसको बिलोंग करता है तो ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा जो इसको बिलोंग करेगा, ठीक है. या ये कंसेप्ट नहीं लगाना है तो आप ये लगा सकते हो सब ग्रुप के ऊपर कि पहला एलिमेंट सेम होता है और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स जो होता है वो एच को बिलोंग करता है. वो तभी करता है जब ये सेट आपका सब ग्रुप हो. सब ग्रुप तो ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब हो गया पहला एलिमेंट सेम और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग करता है. क्यों, क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप और थ्योरम यही कहती है.
अगर ये कंसेप्ट नहीं लगाना है तो आप ये कंसेप्ट भी लगा सकते हो, अगर ए आपको इसका एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी इसका एलिमेंट है, अब एक एलिमेंट ये हो गया एक एलिमेंट ये हो गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से भी तो इनका प्रोडक्ट जो है इसी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे आप वो करो। अब दोनों तरफ से मुझे क्या चाहिए, हाँ मुझे एच में एलिमेंट लेके चलूँ, बट मुझे एच नहीं चाहिए, एच इंटू ए चाहिए, एलिमेंट है दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ से राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा। अब अगेन ये आपका सब ग्रुप है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ए मैंने ब्रैकेट्स इनको ले लिया, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर ये सब ग्रुप है तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, देन अगेन आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स ही रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू एच ए, इसका मतलब है एक्स को मैंने एच में लिया और एक्स किसको बिलोंग किया, एच ए को, तो इन दोनों से मुझे क्या मिला, एच इज सबसेट ऑफ एच ए, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। यहाँ से मैंने कहा एच ए इसका सबसेट है, यहाँ से मैंने कहा एच इसका सबसेट है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एच इज इक्वल टू एच ए या एच ए इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो मैंने इसका डायरेक्ट पार्ट भी कर लिया और कन्वर्स पार्ट भी कर लिया। सिमिलरली आप इसका सेकेंड पॉइंट करोगे, सेकेंड पॉइंट में आपने सारा सेम करना है, लेकिन आपको सिर्फ एलिमेंट क्या लेना है, ग्रुप का, हमेशा ग्रुप का एलिमेंट जो है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से लेना है। सो जो चीज़ आपने यहाँ पे राइट कैसेट्स के लिए प्रूफ की वही आप यहाँ पे लेफ्ट कैसेट्स के लिए प्रूफ करोगे। सो नेक्स्ट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये इक्वलेंट टू इसकी डेफिनेशन है, मतलब आगे आप अगर डेफिनेशंस बताने हैं, जब भी आपके दो राइट कैसेट्स, ये राइट कैसेट्स है, राइट साइड से ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, एच सब ग्रुप है, जी ग्रुप है, ए जी के एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो मैंने ग्रुप के एलिमेंट्स दोनों क्या लिखा है, ए ग्रुप का एलिमेंट यहाँ पे भी राइट साइड से, यहाँ पे भी, यानी ये दोनों के दोनों आपके राइट कैसेट्स है। कहता है जब भी दो राइट कैसेट्स इक्वल होते हैं तो आप ये लिख सकते हो पहला राइट कैसेट और दूसरे राइट का कैसेट का इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग करता है, ठीक है। और जब भी दो लेफ्ट कैसेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो पहले एलिमेंट का इनवर्स और दूसरे एलिमेंट से इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एच को बिलोंग करता है, ठीक है। ये आगे आपका सब ग्रुप की डेफिनेशन भी हो सकती है ये, और दो आपने जब भी बताने हैं दो लेफ्ट कैसेट्स एंड दो राइट कैसेट्स इक्वल हैं या गिवन है कि दो राइट कैसेट्स आपस में इक्वल, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। सबसे पहले इफ एंड ऑनली इफ है, डायरेक्ट पार्ट करते हैं। अगेन जो आप राइट कैसेट्स के लिए करोगे वही आपने लेफ्ट कैसेट्स के लिए भी सारा करना है सिंपली, लेकिन फॉलो क्या करना है आपको, आपको एलिमेंट लेफ्ट साइड से लेना है, यहाँ पे एलिमेंट ग्रुप का राइट साइड से लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया दो राइट कैसेट्स आपस में इक्वल हैं, समझना बच्चे ये दोनों राइट कैसेट्स हैं, ठीक है। मेरे को क्या प्रूफ करना है, टू शो देन ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये आपका सब ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगेन सबसे पहले तो अगर ये सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी भी इसको बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि एच इज सब ग्रुप, ठीक है। अब अगर ये आपको सब ग्रुप है तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ई ए, ई हो गया एच का एलिमेंट, तो इसका मतलब ये किस सेट को बिलोंग करेगा, यहाँ एच और यहाँ ए, यानी ये राइट कैसेट का एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ राइट कैसेट, क्योंकि ये इस फॉर्म का, इस फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके राइट कैसेट को बिलोंग करेंगे। बट ई इंटू ए करोगे तो वापस से ए बनेगा, ए किसका एलिमेंट बन गया, एच ए का। अब मैंने ए जो एलिमेंट लिया है वो राइट कैसेट एच ए का लिया है, बट राइट कैसेट जो है ये दूसरे राइट कैसेट के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया ए बिलोंग्स टू एच बी, बिकॉज एच ए इज इक्वल टू एच बी, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, अब हमें क्या चाहिए, आपको ध्यान से देखना है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एच, यहाँ पर सिर्फ एच चाहिए, मुझे बी नहीं चाहिए, बी तभी हटेगा जब बी का इन्वर्स लूँगी, और अगर मैंने यहाँ से राइट साइड से इन्वर्स लिया तो यहाँ से भी राइट हैंड साइड से इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो ये बना ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच बी इंटू बी इन्वर्स। अगेन ये सारा का सारा तो आपका ग्रुप है, जी ले लो या एच ले लो, हैं तो ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच इंटू बी इन्वर्स हो गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू दिस हो गया, दिस हो गया प्रूफ, ठीक है। ये दो मैं इक्वल लेके चली तभी तो मेरे पास यहाँ पे ये बी में टर्म आई, ठीक है। अब है कन्वर्सली, कन्वर्सली मैंने लेट कर लिया कि ए बी का इन्वर्स जो है वो एच को बिलोंग करता है, देन मुझे क्या प्रूफ करना है, टू शो दो राइट कैसेट्स जो होंगे उस केस में एच ए इज इक्वल टू एच बी। वही अगर मेरे पास बी ए इनवर्स इंटू बी होता तो मैं लिखती लेफ्ट कैसेट्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं शो करूँगी ना, नेक्स्ट आगे जब एक बार ये शो हो गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ ये दोनों आपस में जब इक्वल हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, हमने गिवन कंडीशन ये दी हुई है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ध्यान से देखना आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर ये H का एलिमेंट है, H सेट है,
जब सेट होता है तो बिलोंग आता है, जब एलिमेंट्स लेते हैं तो इक्वालिटी आती है. तो इसका मतलब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एच. ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर एच किसको बिलोंग करता है, एच को. तभी तो मैंने यहाँ पे एच लिखा, सेट की जगह पे एलिमेंट लिख दिया. ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना, आपको जो जो चाहिए आप वो लेते जाओ. ए बी का इन्वर्स, सबसे पहले तो यहाँ कहीं इन्वर्स नहीं है तो मुझे इन्वर्स हटाना, तो सबसे पहले मैं यहाँ बी लगाती हूँ. दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तरफ से राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा. ए बी इन्वर्स इंटू बी इज इक्वल टू एच इंटू बी. बाद में मैं इसको सेट में वापस चेंज कर दूंगी. सो अगेन बी इंटू बी इन्वर्स करोगे, एसोसिएटिव लॉ लगाओगे, फिर उसके बाद आइडेंटिटी आएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बचा. सो ए इज इक्वल टू एच इंटू बी. अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ए के साथ मुझे चाहिए यहाँ पर राइट साइड से एच. ठीक है, राइट साइड से एच चाहिए, ये ध्यान से देखना. तो ये सेट है, जब मैंने सेट से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी सेट से ही मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखना, ये एच है, एच का ही एलिमेंट. ठीक है, ये आपका एच है सेट, इसी के बीच में कहीं एच का एलिमेंट है. अगर मैं इसमें वापस से एच का एलिमेंट फिर से लिख रही हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा तो वापस से बड़ा सेट ही बनेगा ना. देखो ये है आपका एच, इसमें कहीं पे स्मॉल एच है. मैं कह रही हूँ एक और बार डाल दो भाई स्मॉल एच. एक और बार डालने से क्या होगा, सेट में तो उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही लेने हैं आपको. सो यहाँ पर आ गया एच में, मैंने ये ऐड भी कर दिया तो भी ये वही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो ये एच ही रहना है, मतलब सेट ही रहना है. ये तो सेट ही बड़ा है तो ये सेट के बराबर, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली आप करोगे यही सेम चीज़ प्रूफ फॉर लेफ्ट का सेट्स. ठीक है, सो बच्चे ये थी आपकी थ्योरम 3.3. इसी थ्योरम को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करके देखूँ तो ठीक है. तो यहाँ पर है एच सब ग्रुप, जी सब ग्रुप और ए बी जी के एलिमेंट्स. देन हम कहते हैं जब भी दो राइट का सेट्स आपस में इक्वल हैं तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ से इन्वर्स हटाना है तो दोनों तरफ से मुझे बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों तरफ से मैंने बी मल्टीप्लाई किया लेकिन दोनों तरफ से राइट साइड से, तो यहाँ पर बन गया एच बी और यहाँ रह गया ए. यही चीज़ यहाँ पर बताइए. ठीक है, यहाँ पे कहता है कि जब भी आपके पास ए जो है वो एच बी को बिलोंग करेगा तो उस केस में दो राइट कैसेट्स इक्वल होंगे. सिमिलरली फॉर लेफ्ट कैसेट्स, तो यहाँ पे लेफ्ट कैसेट्स का क्या केस बनता है, लेफ्ट कैसेट्स के केस में आपको ए इनवर्स हटाना है तो आपको लेफ्ट साइड से ए और ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ बन गया ए एच और यहाँ बन रह गया बी. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास बी. ठीक है, इसी को बच्चे ये थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है. अब हम यहाँ पे इसको प्रूफ करके बताते हैं. सेम यही थ्योरम दी हुई है यहाँ पे, अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट पार्ट, हमने लेट कर लिया ए जो है वो एच बी को बिलोंग करता है. हमें क्या शो करना है इस केस में, हमें शो करना है देन एच ए इज इक्वल टू एच बी. इसी चीज़ को लेके चलो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया ए बिलोंग्स टू एच बी. एच बी क्या है आपका, एच और दिस, ये है आपका राइट का सेट. इसका मतलब हो गया ए की फॉर्म किस तरह की होगी, एच इन टू बी टाइप की होगी. ठीक है, इस तरह की फॉर्म होगी आपकी एच इन टू बी टाइप की. देन आप देखना है आपको चाहिए क्या, आपको यहाँ पर एक्चुअली में चाहिए कैपिटल एच चाहिए दोनों साइड से. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए बिलोंग्स टू एच बी. सी बच्चा, इसको करने का एक ही तरीका नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो. सो आप इसको ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी एक्सपैंड कर सकते हो. दोनों तरफ से मैंने बी इनवर्स, सबसे पहले मैं बी हटा रही हूँ. सो दोनों तरफ से मैंने बी इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस बिलोंग्स टू एच बी इन टू बी इनवर्स. अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी लग गई है, एक्स आ गया आपके पास, तो सो दिस इज इक्वल टू एच आ गया मेरे पास यहाँ पर. ठीक है, तो शॉर्टकट में मेरे पास क्या आ गया, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है, आपको ये पता है कि जब भी आपके पास ए बी इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग करता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय दिस थ्योरम कि जब भी आपका ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है दोनों ही राइट का सेट्स आपके इक्वल होते हैं, देन एच ए इज इक्वल टू एच बी. अदरवाइज यही सेम प्रूफ जो है आप फिर से करके दिखा दो और ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा. अब हम कन्वर्सली क्या लेंगे, इन दोनों को इक्वल लेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि ए किसको बिलोंग करता है, एच इन टू बी को बिलोंग करता है. ठीक है, तो कन्वर्सली मैंने क्या ले लिया, हमने लेट कर लिया कि दो राइट कैसेट्स आपस में इक्वल हैं. ठीक है, हमें शो कर रहा है देन इन दैट केस जो ए है वो बिलोंग करता है एच बी को. ठीक है, अब एच तो आपका सब ग्रुप है, अगर ये सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा. ठीक है, सब ग्रुप है, इसका मतलब है इसके एलिमेंट्स किस तरीके के बनेंगे. सबसे पहले मुझे एलिमेंट देखना है ना, इसका कैसा बनेगा, इसके एलिमेंट्स बनेंगे राइट कैसेट टाइप के, यानी ई की जगह पे ई
और ए की जगह पे ए, ये किसको बिलोंग करेगा, एच ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ए है तो एच ए को, अगर यहाँ बी होता तो एच बी को बिलोंग करता, तो ये हो गया इसका राइट का सेट एलिमेंट, ठीक है। नाउ अगेन इसका मतलब तो हो गया ए बिलोंग्स टू एच ए, बट एच ए किसके इक्वल है, एच ए इज इक्वल टू एच बी, इसका मतलब हो गया ए किसको बिलोंग किया, एच बी को, यही तो प्रूफ करना था, इतना ईजी है, ठीक है। जब हमें इन्वर्स चाहिए होता तो हम इन्वर्स ले लेते हैं दोनों तरफ से। सिमिलरली बच्चे ये तो हो गया एक पार्ट, तो सेकेंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई करोगे, वही बात होगी यहाँ पे राइट की जगह पे आपने लेफ्ट एलिमेंट लेना है। सो नाउ थ्योरम 3.5, ठीक है। अगेन एच आपका सब ग्रुप है, ये किसी ग्रुप के का सब ग्रुप है, ठीक है, और इसका एलिमेंट मेरे को दे रखा है एच का एलिमेंट एच फिलहाल यहाँ पे। देन आपको इस केस में शो करना है एच इंटू एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच इंटू एच, जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अगेन आपको बोला अगर ये सेट एच है, इसमें आपका एच ऑलरेडी एक एलिमेंट है, लेकिन मैंने फिर इसको इसी में मल्टीप्लाई कर दिया या ऐड कर दिया, तो सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वापस से किसके इक्वल होगा, एच के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, h मेरे को एलिमेंट दे रखा है h का, हमें शो करना है इस केस में एच एच इज इक्वल टू h, फिलहाल ये वाली इनइक्वालिटी ले रही हूँ, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, तो सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट के लिए। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास कि मान लेते हैं इसका कोई और एलिमेंट लेके चलते हैं, सपोज एच डैश इज एन एनी एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है, यानी एच डैश भी यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लेके चली हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एच में एक एलिमेंट ले चली हूँ। देन एच इंटू एच डैश, बताओ भाई एच इंटू एच डैश करोगे तो ये किसको बिलोंग करेगा। देखो कसेट्स के केस में मैं लिखना चाहूँ तो मुझे पता है एच जो है वो एच का एलिमेंट है, एच डैश इंटू एच लिख लेती हूँ, ठीक है, और एच की जगह पर हम एच लिख सकते हैं, बन गया ना राइट कसेट। कसेट इसलिए बना क्योंकि H तो आपका H का एलिमेंट है, बट H जो है वो G का एलिमेंट भी है, एवरी एलिमेंट ऑफ H इज ए एलिमेंट ऑफ G, क्योंकि H तो सबसेट है G का, ठीक है। तो मैंने वही कंसेप्ट लगाया, G का एलिमेंट इसको मान के G का एलिमेंट यहाँ लिखा और यहाँ H का एलिमेंट लिख दिया, तो एच डैश ऑफ H किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि एच डैश तो H का एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैंने राइट कसेट का कंसेप्ट लगा लिया और H को मैंने G का एलिमेंट यहाँ पे लेके चली हूँ। तो इसका मतलब एच इन डैश इंटू एच जो है वो किस सेट को बिलोंग करेगा, एच इंटू एच टाइप के सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि क्या मैं एच डैश को लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो एच डैश इंटू एच किया मैंने यहाँ पे, करना क्या चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को इन दोनों को इक्वल बताना है, तो अगेन वही बात आ जाती है, मुझे बताना है ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट, यानी इसमें मैं कोई एक एलिमेंट लेके चलूंगी जो कि इसमें भी आएगा, तो इसमें मुझे क्या एलिमेंट मिला है, एच डैश इंटू एच, क्योंकि ये एक राइट कसेट टाइप का है सेट है, तो इसमें राइट कसेट टाइप के एलिमेंट्स ही ले सकते हैं हम लोग, तो ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। अब अगर मैं प्रूफ कर दूं कि यही सेम एलिमेंट जो है वो एच को भी बिलोंग करता है, तो प्रूफ हो जाएगा। अब देखो एच डैश एच का एलिमेंट है, H भी H का एलिमेंट है, यानी मुझे H में दो एलिमेंट्स मिल गए, बट H तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा H डैश इंटू H जो है वो H को भी बिलोंग करता है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बट इसको और इसको मिलाऊं तो सेम एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, सेम एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब हो गया एच एच जो है वो सबसेट है एच का, ठीक। ये आ गई पहली कंडीशन। अब मुझे बताना है एच बी जो है वो सबसेट है इसका, तो अगर एच इसका सबसेट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा एक एलिमेंट जो कि आपका एच को बिलोंग करता है, तो वो एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है, एच भी ले सकती हूँ, एच डैश भी ले सकती हूँ, जो मर्जी एलिमेंट लोगे वही आपको बताना है, वो दूसरे सेट को भी बिलोंग करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, लेट एच डैश बी एन एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है। अब क्या मैं h डैश को ऐसे लिख सकती हूँ, h डैश की जगह h और यहाँ पर मैंने लिख दिया h इनवर्स इंटू h, क्योंकि ये वापस से आइडेंटिटी बनेगा, आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करोगे वापस से h डैश ही मिलेगा, बट फायदा इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये बन गया h डैश इंटू h इनवर्स, एसोसिएटिव लगाया, इन दोनों को एक साथ रखा और h, h की जगह पे आपके पास बच्चे h ही रखा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल h के बराबर है, तो मेरे पास क्या आ गया, h जो है h डैश जो है वो h h का एलिमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये h में लिया और यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया ये एच एच में मिल गया, इसका मतलब हो गया एच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एच एच सेकेंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर ये मैंने इसको क्यों लिया एच का एलिमेंट, देखो एच डैश तो ऑलरेडी एच का एलिमेंट है क्लियरली, ठीक है। अब H भी तो H का एलिमेंट है, H सब ग्रुप है, अगर ये सब ग्रुप है तो H इनवर्स किसका एलिमेंट हुआ बच्चे, ये बताओ, ये तो H का हुआ इनवर्स का एग्जिस्टेंस। अब ये दो एलिमेंट्स मुझे H में मिले हैं तो दोनों का प्रोडक्ट किस में होगा, वो भी H में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट वापस से ये आएगा।